हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन पद्मा सिंह फ्रॉम न्यूट्रिकल। आज हमारी वेबिनार का टॉपिक है वेट एंड हेल्थ मैनेजमेंट ड्यूरिंग समर, स्पेशली ड्यूरिंग वेकेशन डेज। तो सबसे पहले मैं आज बात करना चाहूंगी कि हमारी बॉडी का कैसा कॉम्पोजिशन होता है या हमारी डाइट में हमें क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि अपने वेट को कैसे मैनेज करना है या अपने हेल्थ को कैसे मैनेज करना है ड्यूरिंग समर्स, तो डेफिनेटली हमें इससे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको हमें लेना चाहिए या उनका हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाटएवर यू आर ईटिंग दैट मेक्स योर बॉडी, मीन्स यू आर व्हाट यू ईट। आप जो भी खाते हैं आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो उसी से नरिश होते हैं और आपके बॉडी को उसी से न्यूट्रिशन मिलता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि WHO क्या कहता है हमारे हेल्थ के बारे में। तो WHO का अपना एक डेफिनेशन है कि हेल्थ इज नॉट ओनली द फिजिकल कंडीशन, मींस कि हमारे सिर्फ हाइट और वेट प्रॉपर है तभी हम हेल्दी हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। या फिर हमारी बॉडी में अगर डिजीज नहीं है कोई तो भी हम अपने आप को हेल्दी मान सकते हैं। तो WHO कहता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी, मीन्स कि हम फिजिकली मेंटली एंड सोशली ये तीनों लेवल पे अगर बैलेंस हैं, हेल्दी हैं और जितने भी पैरामीटर्स एक हेल्दी पर्सन के लिए डिफाइंड है वो अगर हमारे बॉडी के अंदर है तो डेफिनेटली हम अपने आप को इन हेल्दी कंडीशंस में कंसिडर कर सकते हैं और हम अपनी बॉडी को अर्न कर सकते हैं। अर्न मीन्स कि हम जो भी चीज खाते हैं, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं या फिर हम अपना जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें वो मेंटेन करते हैं या फिर हम रेगुलरली वॉक करते हैं या रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं या जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं वो करते हैं, तो आप अपनी बॉडी को अर्न कर सकते हैं इन अ बेटर कंडीशन, मीन्स आप अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं और आप अपनी बॉडी को रिबूट भी कर सकते हैं। रिबूट का मतलब होता है जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहां पे आपने आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है या कोई आपको पैरामीटर्स आपके अप एंड डाउन है तो उसको भी आप अपने डाइट के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने हेल्थ को फिर से रिक्लेम कर सकते हैं। एक नया कंसेप्ट अब हमारे आसपास घूमता है दैट इज वेलनेस। बिकॉज हम हेल्थ की बात करते हैं तो आजकल एक बहुत अलग सा एक वर्ड आपके आसपास सुनाई पड़ता है दैट इज वेलनेस। तो अब ये वेलनेस क्या है, सो दिस इज कम्प्लीटली क्लोजली रिलेटेड टू हेल्थ। यहाँ पे वेलनेस की एक डेफिनेशन बताई जा रही है वो है वेलनेस इज द कंडीशन ऑफ कंटीन्यूअस गुड फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ स्पेशली व्हेन मेंटेन बाय प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज एंड अदर पॉजिटिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज कम्प्लीटली वेलबींग आपके सिर्फ फिजिकल की नहीं बल्कि मेंटल एंड सोशल वेलबींग की भी बात हो रही है और दूसरी बात है कि आप अपने अगर लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, फूड हैबिट्स को मेंटेन करते हैं तो ओवरऑल हेल्थ आपकी कैसी है वो आपके वेलनेस को डिफाइन करता है। अब समर्स में हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है या हम कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ और अपने वेट को और अपने बाकी जो भी इस समय की प्रॉब्लम्स होती है उसको, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूंगी रिगार्डिंग द न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी के लिए 7 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिंस एंड मिनरल्स, ग्राफेज मीन्स फाइबर एंड वाटर। ये 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपने डेली रूटीन डाइट में इनको इंक्लूड करना चाहिए और इसके जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज के थ्रू आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इनका हमारी बॉडी में बहुत सारे मेजर रोल्स हैं, मीन्स कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड जो भी हम वर्क करते हैं चाहे वो हमारा फिजिकल एक्सटर्नल वर्क है या फिर बॉडी का जो इंटरनल वर्क है जो थ्रू आउट 24/7 चल रहा होता है, जैसे आप सांस लेते हैं मीन्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस है या आपका हार्ट बीट है या आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, ये सारे प्रोसेस के लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको आपकी डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलता है और इसके बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं जिसको भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। देन प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का वर्क करता है और हमारी बॉडी के मसल्स और हमारी बॉडी में सेल्स को रिपेयर करने का वर्क करता है और आपको
इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो ये बॉडी में आपकी जितनी भी इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करने का वर्क करता है. देन फैट्स ये एनर्जी देता है, इंसुलेटिंग फैक्टर्स है आपकी बॉडी के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे हार्मोन्स को ये सपोर्ट करता है. देन विटामिंस एंड मिनरल्स, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जितने भी फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस, उनको रेगुलेट करते हैं और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है बहुत सारे डिजीज से प्रिवेंट होती है. सो ये हमारा 7 न्यूट्रिएंट्स था जिसका हमने आपके साथ डिस्कस किया. एंड उसके साथ जो फाइबर है वो बॉडी से वो जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकलने में हेल्प करता है. सेम वाटर आपकी बॉडी का जितना भी वेस्ट है उसको रेगुलेट करता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. एंड जितने भी आपके बॉडी के लिए नहीं रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब आपकी बॉडी से एक्सपेल करने में, जैसे आप परस्पिरेशन के थ्रू या फिर यूरिनेशन के थ्रू या फीकल मैटर के थ्रू आपकी बॉडी से उसको वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में हेल्प करता है. एंड बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है. एंड बहुत सारे जो फंक्शन हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं उसके लिए भी वाटर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, बॉडी को हाइड्रेट करता है. बिकॉज आपने और हमने सभी ने सुना है कि 60-70% जो बॉडी का हमारा कॉम्पोजिशन है दैट इज वाटर. अब नॉर्मली मैं बात करना चाहूंगी कि नॉर्मली हम लोग रूटीन में किस टाइप की डाइट खाते हैं. अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि ब्रेकफास्ट टू डिनर हम लोगों के नॉर्मल जो रूटीन डाइट्स है उसमें रोटी है, या रोटी का ही डिफरेंट फॉर्मेट है, जैसे पराठा है, ये स्टफ रोटीज है, दलिया है, राइस है, या फिर हम उसी का बहुत सारा वेरिएशन यूज कर लेते हैं राइस के, जैसे इडली है, डोसा है, दाल, पनीर. जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज के कुछ आइटम्स करते हैं. देन ऑयल्स का हमारी डाइट्स में रोल होता है, रस, ये उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आप लोग या हम लोग सभी लोग अपने डाइट में यूज करते हैं. ब्रेड्स की बहुत सारी वैरायटीज यूज करते हैं और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स यूज करते हैं. तो ये सारे हमने हमारे नॉर्मल रूटीन डाइट्स के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो जनरली हम लोग के डाइट्स में के मेन्यू में इंक्लूडेड होता है. अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम डाइट्स की बात करते हैं तो बहुत बार हम अपने वेट को या अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विदाउट नॉलेज हम कुछ डाइट्स फॉलो करने लगते हैं, या अपने बिना किसी एक्सपर्ट के नॉलेज के हम लोग अपनी डाइट्स में कुछ चेंजेस करते हैं जिससे हमारी बॉडी में कुछ इम्बैलेंसेस हो जाते हैं. जैसे अगर हम अनहेल्दी फूड की बात करें, या फिर हम ओवर ईटिंग करते हैं, या कुछ ऐसे फूड आइटम्स चूज कर लेते हैं जो शायद हमारी बॉडी के लिए फिट नहीं है या अच्छा नहीं है. सो दैट इज समटाइम अनहेल्दी फूड, या लाइफ स्टाइल हमारा अनहेल्दी हो जाता है. मीन्स कि आप जगते कब है, मीन्स वेकअप टाइम, स्लीपिंग टाइम, ये भी आपके लाइफ स्टाइल को, आपके हेल्थ को एंड ओवरऑल आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं. एंड देन आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जहां आप वर्क करते हैं, जहां आप रहते हैं, वहां जैसे अगर मैं बात करूं तो पॉल्यूशन भी आपके बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करता है. आपकी बॉडी के लिए या हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स का वन ऑफ द रीजंस है. एंड जहां पे आप काम करते हैं या जहां पे भी बैठते हैं या अपना लाइफ को स्पेंड करते हैं, वहां का आपका वर्किंग कंडीशन कैसा है, आप कैसे चेयर यूज कर रहे हैं, कैसे पिलोज यूज कर रहे हैं, उसका भी आजकल हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट है. जैसे आप लोग आजकल हर लोग से हर दूसरा या तीसरी बारे में आपके इन्वायरमेंट या जहाँ पे आप वॉक करते हैं, जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वहां के आसपास किस तरह का आप फर्नीचर यूज कर रहे हैं, उसका भी आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट है. सो नॉट ओनली द फूड जो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है, आपके ये सारी चीजें भी आपकी बॉडी को या हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती है. अगर हम इम्बैलेंस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम फूड हैबिट्स को चेंज करते हैं या फिर लाइफ स्टाइल को ठीक से मैनेज नहीं करते, तो उसका रिजल्ट जो है समटाइम ओवरवेट या अंडरवेट हो सकता है. देन बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, एंड पीसीओएस दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. देन लो एनर्जी लेवल है, मेटाबॉलिज्म पुअर हो सकता है, या स्किन या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंड मेनी मोर. सो दीज आर द लिटिल बिट ऑफ द थिंग्स दैट मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकते हैं या इम्पैक्ट करते हैं. और आजकल आप लोग हर दूसरे से तीसरे पर्सन को आप देख रहे हैं कि किसी ना किसी प्रॉब्लम से जरूर उसकी बॉडी जो है वो
फाइट कर रही है. देन हमारा ये प्रॉब्लम आती क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है. तो फर्स्ट है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइट्स एंड लाइफस्टाइल या फूड मॉडिफिकेशंस, तो हमारे जो गोल्स है, जो हम एम सेट करते हैं, आई थिंक वही हमारा रॉन्ग, वही से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रॉन्ग स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है. बिकॉज हमारा एम हेल्थ नहीं होता. हम एम करते हैं, टारगेट करते हैं अपने वेट को, ओनली वेट. हम अपने ओवरऑल हेल्थ को टारगेट नहीं करते. एंड सेकेंडली जो उसका जो मेथड्स यूज करते हैं, समटाइम मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि विदाउट एक्सपर्ट, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, हम लोग जो उसका रास्ता यूज करते हैं या वेज यूज करते हैं, दैट इज फैट डाइट्स. मतलब जो भी डाइट्स अभी ट्रेंडिंग है उसको हम यूज करना शुरू कर देते हैं और वी वॉन्ट वेरी इंस्टेंट रिजल्ट, क्योंकि हमारे जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है दैट इज वेरी क्विक. क्योंकि आप और हम चाहते हैं कि अगर हमने एफर्ट शो किया है तो इट शुड गिव वेरी इंस्टेंट एंड क्विक रिजल्ट. अब जैसे मैं थोड़े से डाइट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी कि आजकल जैसे ट्रेंडिंग डाइट्स है कि हम कीटो डाइट फॉलो कर लें या इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो कर लें या जीएम डाइट फॉलो कर लें या फिर हम अपने डाइट में से कार्ब हटा दें, वीगन डाइट फॉलो कर लें, तो इस ग्लूटेन फ्री डाइट्स हम यूज कर लें. सो दीज आर नॉट द वेरी न्यू कंसेप्ट. ये सारे हमारे बहुत ओल्ड कंसेप्ट हैं, बट इसको किस तरह से हमारे रूटीन में लेकर आना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस ही पॉसिबल है. अदरवाइज अगर मैं बात करूं कीटो डाइट की, इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, बट डेफिनेटली बहुत सारे इसके जैसे मैं अगर प्रॉस की बात करूं तो बहुत अच्छा हमारा वेट मैनेज हो सकता है, डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल हो सकता है. बट अगेन वहां पे बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी को देखने को मिलते हैं, जैसे कि जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर अगर हम अच्छी तरह से इसको यूज नहीं करते हैं, वाटर इनटेक ठीक नहीं रखते हैं, तो बॉडी में जो इसके वेस्ट है अगर वो ठीक से आपके बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते तो यूरिया, यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी में इंक्रीज हो सकते हैं और भी बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हैं. सेम विथ अगर मैं जीएम डाइट की बात करूं तो एक 7 डे का हमारा एक रेजिम होता है जिसमें वेट लॉस भी हो जाता है, बट समटाइम इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो है कि वेट लॉस होने के बाद इट कैन बाउंस बैक, बिकॉज उसके बाद हमें कैसे सस्टेन करना है वो हमारे रूटीन में हमें नहीं पता होता. सेम इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये एक बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है जिसमें कि आपका एक ईटिंग विंडो होता है एंड देन फास्टिंग विंडो होता है. ये हम लोग नॉर्मली हमारे बहुत सारे पुराने आपके घर में जो भी आपके एल्डर्स होंगे वो फास्टिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका बहुत सारा जो रेजिम होता है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग से रिलेटेड होता है. मींस कि लाइक 6 या 7 o'clock के बाद आपको नहीं खाना, या फिर आप अपने लाइक कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप एक विंडो चूज करते हैं जिसमें कि 14 hours की फास्टिंग या 12 hours की फास्टिंग या 16 hours की फास्टिंग, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल. इसके भी अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं जिसको कि मैं बहुत ज्यादा भी डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, बट द थिंग इज दैट कि कभी भी आप इस तरह की डाइट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको उससे पहले अपनी बॉडी के बारे में जानना, अपने लाइफस्टाइल के बारे में जानना, अपने डिजीजेस के बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके अलावा भी आजकल जैसे हर डाइट्स में एवरीबॉडी इज आस्किंग कि कैलोरी कितनी है, मीन्स की कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट या जीरो ऑयल का कंसेप्ट या ग्लूटेन फ्री डाइट्स. तो अभी मैं इन सब डाइट्स के बारे में इसलिए बताना चाह रही हूँ कि बिकॉज जब भी हम अपने हेल्थ की बात करते हैं तो एज पर आर कन्वीनियंट इनमें से कोई भी डाइट हम यूज करना शुरू कर देते हैं एंड उसके रिजल्ट्स भी डेफिनेटली हो सकता है कि आपको मिले, बट अगेन उसको कैसे मेंटेन करना है या उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है हमारी बॉडी में उसको हम जानते नहीं है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे इतना पॉजिटिव नहीं होता है. अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं अभी बात करना चाहूंगी. जैसे मैंने आपको कुछ डाइट्स के बारे में बताया तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी में, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, मीन सडन वेट लॉस हो सकता है या आपको रिजल्ट मिल सकता है जो आप चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्विक रिजल्ट्स, बट अगेन इट कैन रीबाउंड. मीन्स कि आपने जितना भी एफर्ट शो किया है फिजिकली मेंटली आप इनग्रॉस हुए, अगेन इट कैन रीबाउंड. तो आपको ये इससे आपको डबल शॉक मिलता है. मीन्स कि आपकी फिजिकली भी आप शॉक होते हैं बिकॉज आपका वेट जो है वापस आता है एंड मेंटली डेफिनेटली आपने अपने आप को इनग्रॉस किया, आपने अपनी सारी एनर्जी इसमें इन्वेस्ट की एंड इट इज रीबाउंडिंग, तो आपका
फेथ भी डाइट के ऊपर से निकलता है कि डाइट से कोई इफेक्ट नहीं होता या फिर नहीं हुआ तो डेफिनेटली एक नेगेटिविटी आपके अंदर आती है. एंड समटाइम क्या होता है कि वाटर इनटेक अच्छा नहीं रखते क्योंकि वाटर के ऊपर बहुत कम लोग इन्फोसाइज करते हैं, तो अगर वो आप ठीक से नहीं करते तो डेफिनेटली बॉडी को डिहाइड्रेशन भी होता है और भी बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हमारे बॉडी को दिखते हैं. इनकी प्रॉब्लम या किसी पर्सन को दम को बहुत ज्यादा ऑल द टाइम दे आर फीलिंग वेरी लेथार्जिक, एनर्जी लेवल लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म उनका बहुत स्लो हो जाता है. इस तरह की उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी हो सकती है. और इसके साइड इफेक्ट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया या फिर हमारा मेंटली भी एग्जॉस्ट होने लगे और फिजिकली का जैसे अपने की जो प्रॉब्लम्स होती है इससे हमारे सारे पैरामीटर्स जो है वो डाउनवर्ड होने लगते हैं और बहुत सारी बॉडी में डेफिशिएंसीज भी होनी शुरू हो जाती है. तो माल न्यूट्रिशन जो है जिसमें हम कहते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है. एज अ डाइटिशियन मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब भी हम अपने हेल्थ की बात करते हैं वी शुड फॉलो अ वेरी वेरी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान. कस्टमाइज मीन्स कि आपकी हाइट और बॉडी के अकॉर्डिंग आपका डाइट कंटेंट होना चाहिए, क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग आपको ले डाइट हम फॉलो कर रहे हैं या लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं. एंड स्किन हेयर इन सब चीजों का भी हमारे उस डाइट में ध्यान होना चाहिए और साथ में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना चाहिए. और अगर कोई भी मेडिकल इश्यूज है मेजर एंड द माइनर, मेजर मीन्स जैसे कोई भी हमारे ब्लड पैरामीटर्स से रिलेटेड होते हैं जैसे आपका डायबिटीज है, हाइपरथायराइड है, कोई भी इस तरह की डिजीज है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, और माइनर इश्यूज समटाइम हम लोग कंसीडर करते हैं जैसे गैस है, एसिडिटी, इनको हम बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं मानते, बट बीइंग अ डायटिशियन आई थिंक इट इज गिविंग अ वेरी वेरी लाइक मेजर इंपैक्ट ऑन योर हेल्थ. तो इनको भी हमें जरूर अपनी डाइट्स में कंसिडर करना चाहिए. तो एक कस्टमाइज डाइट प्लान और एक बैलेंस डाइट प्लान फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पूरे दिन में तीन मेजर मील्स लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जिसमें ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी गुड इन क्वान्टिटी एंड क्वालिटी, फिर लंच आपका अच्छा होना चाहिए, डिनर शुड बी लिटिल लाइटर और थोड़ा अर्लियर एज पर योर शेड्यूल एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड मैनेज कर सकते हैं. और बीच में आप छोटे छोटे शॉर्ट मील्स रख सकते हैं मिड मील के फॉर्म में या इवनिंग टी में या पोस्ट डिनर के फॉर्म में. अब बैलेंस डाइट में जितने भी मैंने आपको इनिशियली बताया 7 न्यूट्रिएंट्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर, ये 7 न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में जरूर इंक्लूड होने चाहिए. कितनी है वो आपको जरूर इंक्लूड करना चाहिए. और इसके लिए आपको हर जगह फूड पैरामीट मिल जाएगा या फिर आपके जो भी कंसर्न आपके एडवाइजर हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. अब मैं यहाँ पे अलग से एम्फसाइज करना चाहूंगी वाटर के बारे में, बिकॉज अगर इसको हमारी डाइट्स में इंक्लूड करना है या इसका कंटेंट हमें मेजर करना है या इस पे हमें एम्फसाइज करना है, सो वी शुड नो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. बिकॉज हमारी बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया 60-70% आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड बहुत सारे हमारे बॉडी में वर्क हो रहे होते हैं इंटरनली, जिसके लिए आपकी बॉडी का हाइड्रेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉडी को क्लींस करने में हेल्पफुल होता है और एटलीस्ट हमारी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपली 8-10 ग्लासेस ऑफ वाटर या समर्स में 12-14 ग्लास इशूज ऑल्सो, जैसे बहुत सारे मेडिकल इशूज में जैसे स्पेशली इन किडनी इशूज वाटर रेस्ट्रिक्शन होते हैं, तो वो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर हेल्थ एडवाइजर कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना वाटर इनटेक इज इम्पोर्टेंट. हमारे डेली रूटीन में कुछ पावर फूड जरूर इंक्लूड करने चाहिए. पावर फूड डेफिनेटली इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने इसको इंक्लूड करने से पूरा ही हमारा मेडिकल इश्यूज या कोई प्रॉब्लम्स है वो रिवर्स हो जाएंगे, बट डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू. अगर इसकी क्वांटिटी अगर हम कम भी इंक्लूड करते हैं तो भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिलता है.
बिकॉज इसमें रिचेस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कैलोरीज थोड़ी कम होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, और दीज आर द थिंग्स दैट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जिसमें कि अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूं तो जितने भी सीजनल वेजिटेबल हैं वो तो इंक्लूड करना ही करना है, साथ में ब्रोकली है या एमरिंथ है, इसका सीड्स भी आते हैं, इसके सीड्स से हम फ्लावर या आटा भी बना सकते हैं, मोरिंगा या ड्राम्स मोरिंगा लीव्स है जिसका आपको इसके फ्लावर भी आते हैं, एंड ड्राम स्टिक जो आप खाते हैं वो जिसमें हम सांबर वगैरह में, वो भी एक पावर फूड के अंदर आता है, देन स्पिनच है, टोमेटो है, मिंट, कैबेज, एश गार्ड, ये सारी चीजें भी एक पावर फूड के इम्पैक्ट में आती हैं। देन फ्रूट्स में जितने भी, अगेन मैं बार बार सीजनल फ्रूट्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जितने भी फ्रूट हमारे सीजन में अवेलेबल होते हैं उसे जरूर हमें इंक्लूड करना चाहिए, और इसके अलावा अगर अवेलेबल है देन एप्पल, बेरीज, एप्रिकॉट, गुआवा, पीचेस, कीवी, वाटरमेलन, देन जितने भी सिट्रस फ्रूट है जैसे ऑरेंजेस, आंवला, लेमन, ये सब चीजें हमारे डाइट्स में इंक्लूड होनी चाहिए। पल्सेस में जितने भी आपके घर में यूज होते हैं, साथ में अगर पल्सेस यूज करें तो डेफिनेटली विद स्किन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, एंड उसको स्प्राउट करके अगर हम यूज करें तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। एंड देन प्रोटीन डाइट्स है, उसमें भी हम सब चीजें यूज कर सकते हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं जैसे आजकल मिलेट्स का एक सभी को आजकल अवेयरनेस है, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द मिलेट्स, सारे मिलेट्स भी आप यूज कर सकते हैं, एंड ओट्स अपनी डाइट्स में, वीट जर्म है या फिर बार्ली है, ये सब चीजें हमारी डाइट्स में इंक्लूड होना चाहिए। देन सीड्स, जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं सभी के सीड को जरूर कंज्यूम कीजिए, जैसे सिसमे सीड हम यूज कर सकते हैं, पम्पकिन सीड है, वाटरमेलन सीड है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड है, तो जितने भी टाइप के सीड्स हैं एज पर द सीजन, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर योर बॉडी, आपको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। देन जितने भी आपके घर में स्पाइसेस हैं और किचन हर्ब्स हैं, स्पाइसेस में जैसे मैं बात करूंगी सिनेमन की, फेनुग्रीक या मेथी की, या सौंफ है, या फिर नटमेग है, जायफल जिसको कहते हैं, हल्दी है, ब्लैक पेपर है, जीरा या क्यूमिन सीड्स है, हींग है, ये सब चीजें भी हमारी डेली रूटीन डाइट में जरूर इंक्लूड होनी चाहिए, जो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और साथ में आपके मेडिकल कंडीशंस को भी इम्प्रूव करते हैं और ओवरऑल आपके हेल्थ को बेनिफिटेड करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि गुड हेल्थ के बारे में, तो इसके सिर्फ डाइट ही इसका एक पार्ट नहीं है, देयर आर फोर पिलर्स, मींस की डाइट के साथ साथ वी शुड हैव सम फिजिकल एक्टिविटी, जिसका मतलब ये नहीं होता कि वी शुड गो फॉर जिम या बहुत 1 आवर 2 आवर्स का कोई बहुत विग्रस एक्सरसाइज करनी, एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट आप 10 to 15 मिनट्स की वॉक भी कर सकते हैं, एंड यू नीड नॉट टू गो आउट, मीन्स की आपको बाहर जाकर के पार्क में नहीं करना, आप घर में भी घर के अंदर अपने बिग ड्राइंग रूम में या फिर आप अगर आपकी टेरेस है वहां पे भी आप जाके वॉक कर सकते हैं, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी एज पर योर बॉडी कंडीशन आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं एज पर योर लाइक शेड्यूल। देन पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स कि हमें एक थॉटफुल प्रोसेस के साथ ही हमें अपने हेल्थ को मैनेज करना है, इट विल नॉट गिव यू कोई भी हमारा प्रोसेस जो है बहुत क्विक रिजल्ट नहीं देते हैं, तो आपको एक पेशेंस रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और उसके साथ ही हमें और आपको आगे बढ़ना है। एंड देन जो आपके आसपास किचन में हर्ब्स होते हैं, किचन हर्ब्स जैसे एलोवेरा की मैं बात करूं या फिर मिंट है, ऐसे तुलसी है, सो दीज आर द थिंग्स जो नॉर्मली हमें हर दिन अपने डाइट्स में किसी न किसी फॉर्म में इंक्लूड करना चाहिए। एंड अब मैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अभी हमें डिस्कस करना है, दैट इज समर्स में या ड्यूरिंग वेकेशन अपने आप को हमें कैच खाना है। मैं इसके लिए ही आपको ये बता दी थी चीजें कि हमारी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, क्या चीजें हैं, तो ये वी डोंट हैव टू ईट लेस बट वी हैव टू ईट राइट। अब मैं कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती है समर्स के टाइम पे, या हम अगर वेकेशन पे जाते हैं ड्यूरिंग समर, तो हमारे साथ क्या क्या दिक्कत होती है। जनरली डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, हीट स्ट्रोक हो जाता है बिकॉज हम वाटर का कंटेंट कम रहते हैं या डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं सन में, एंड देन डायरिया या वॉमिटिंग बिकॉज इस समय इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड स्किन एलर्जी एंड रैशेज, तो ये भी एक बिगेस्ट प्रॉब्लम इस समर्स में देखने को मिलती है, या अगर आप कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो वहां पर यह दिक्कत होती है।
कैसे हम अपने हेल्थ को या वेट को मैनेज कर सकते हैं सीजन में, बिकॉज इसे वेट बढ़ रहा है. तो आई थिंक मैंगो इज नॉट अ वन ऑफ द कल्प्रिट, दैट इज अ वेरी गुड फ्रूट. और हमें और आपको डेफिनेटली सीजनल चीजें यूज करनी चाहिए, मैंगो है, लीची है, या जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स आ रहे होते हैं. तो यहाँ पे मैं एक एक करके एक एक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी. सबसे पहले तो है कि कैसे करना है मैनेज. तो सबसे पहला पॉइंट है प्लेंटी ऑफ वाटर्स, मींस बॉडी को हाइड्रेट रखना है. और वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर या फिर मिंट का हम उसको क्रश करके उसको आइस क्यूब्स बना के उसके साथ उसका भी ड्रिंक बना सकते हैं. या आपके घर में हिबिस्कस या चाइना रोज है उसकी भी ड्रिंक हो जाती है. सौंफ का वाटर हो सकता है, छाछ है, लस्सी है. सो मेनी थिंग्स, जलजीरा है. ये सब चीजें आप अपने पूरे रूटीन में कम से कम 10 से 12 ग्लासेस यूज कीजिए पूरे दिन में, इंक्लूडिंग ऑल द लिक्विड्स. देन सीजनल जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसको इंजॉय कीजिए. बट मैं यहाँ पे एक टिप जरूर देना चाहूंगी कि अगर आप मैंगो यूज कर रहे हैं तो रादर देन टू टू पीसेस पूरे मील में यूज करने और उसको एज अ मील यूज कीजिए. मीन्स इफ यू आर टेकिंग मैंगो, टेक इट एज अ ब्रेकफास्ट और मे बी टेक इट एज योर डिनर. उसको आप अलग अलग पार्ट में पूरे दिन में आप कंज्यूम भी ज्यादा कर लेते हैं और उसका आप टेस्ट भी अच्छी तरह नहीं ले पाते हैं और आपके माइंड में डर भी होता है कि इट विल इंक्रीज योर वेट. तो इसको आपको ऐसे मैनेज करना है. जो भी फ्रूट आपको लगता है कि आपको लेना है, आप मेडिकल पैरामीटर्स को देखते हुए आप उसको एक मील में एज अ मील मीन्स की पूरा एक आप इंजॉय कीजिए एंड उसको एज अ मील कंसिडर कीजिए, मीन्स एज अ ब्रेकफास्ट या एज अ डिनर. देन जितने भी पैकेट फूड्स है उसको अवॉइड करना है. देन डोंट ड्रिंक वेरी चिल्ड वाटर. मीन्स क्या होता है कि हम लोग बाहर से आते हैं फ्रिज का चिल्ड वाटर ले लेते हैं या कोई भी ड्रिंक हम ले लेते हैं या मार्केट के जितने भी आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो हम यूज करते हैं. दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. एंड स्किप नहीं करना है कोई भी मील बिकॉज ये आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है और आपके बॉडी को वीक करना शुरू हो जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है वो आपके बॉडी में डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं या कम होना शुरू हो जाते हैं. देन ब्रेकफास्ट आपको जरूर करना है बिकॉज ब्रेकफास्ट के बाद ही जनरली हम लोग घर से बाहर जाते हैं या कोई भी हमें वर्क करना है. तो एक पूरे ओवरनाइट फास्टिंग के बाद ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एंड टू बूस्ट योर एनर्जी लेवल. एंड इसके अलावा जितने भी हमारे बॉडी में है उनको जो भी हमारी बॉडी का पार्ट आपका हैंड है या स्पेशली योर हेड पोर्शन तो उसको हमेशा कवर करके रखें. इसके लिए आप कोई भी पैकेट यूज कर सकते हैं. एंड देन तो वहां पे हमारा रूटीन डिस्टर्ब होता है. यहाँ पे भी आप जाते हैं वहां पे आप घूमते हैं तो आपका रूटीन डिस्टर्ब होता है, आपका टाइमिंग्स डिस्टर्ब होता है, फूड हैबिट्स डिस्टर्ब होती है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है. फैमिली गेट टुगेदर है तो फूड का हमारे पास जो है बहुत सारे हो जाते हैं. सो हाउ टू मैनेज इट वो हमें पता नहीं चलता है. देन बहुत सारे फंक्शन है वहां पर करना चाहते हैं. देन लाइफस्टाइल जो है वो हमारा उस समय फॉर अ टाइम बीइंग चेंज हो जाता है और हमारा माइंड सेट जो है वो बहुत यूजरली स्टेट में आ जाता है. यू थिंक कि वी कैन मैनेज, अभी तो हम कुछ भी खा सकते हैं या कोई भी चीज है अभी तो खा लेते हैं, बाद में विल सी. बट बाद में हो सकता है इसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बदल जाए. और इसका आउटकम्स क्या होने लगता है कि वेट या इंचेस इंक्रीज हो जाती है, समटाइम गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है या अगर है तो वो इंक्रीज हो जाती है. देन कुछ मेडिकल पैरामीटर्स खासकर डायबिटीज का जो इश्यू है, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं या कोई भी आपकी अगर कोई और प्रॉब्लम है उसके पैरामीटर्स आपके चेंज हो जाते हैं. एंड सम टाइम कुछ नया प्रॉब्लम भी बॉडी पे आ जाता है. तो दीज आर द आउटकम्स अगर हम पेशेंट्स के टाइम अपने लाइफ स्टाइल का या फूड हैबिट्स का ध्यान नहीं रखते. तो हमें जब भी हम वोकेशन पे जा रहे हैं या हमारे घर में भी कोई आ रहे हैं उस समय हमें क्या ध्यान रखना है कि कुछ हमें सब्स्टिट्यूट कुछ चूज करना है. जैसे कि अगर हम वीट की बात करें तो वीट की जगह हम बार्ली या फिर ज्वार का आटा या एमरेंथ है तो ऐसे भी चीजों को अपने घर में स्टोर करके रखना चाहिए. जैसे मैंने पहले भी बताया जैसे दाल यूज कर रहे हैं तो उसको स्प्राउट्स फॉर्म में यूज करें तो बेटर ऑप्शन होता है. शुगर है, व्हाइट शुगर की जगह आप पूरी गर्मियां मिश्री यूज करें और मिश्री भी जो आपकी थ्रेड वाली होती है दैट इज अनरिफाइंड.
उसको आप ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं। और कोई भी चीज आप बनाते हैं ट्राई करें कि समर्स में आप उसी मिश्री का बनाए, जैसे अगर आप आम की लॉन्ची बना रहे हैं या आप कोई ड्रिंक बना रहे हैं तो उसमें आप उसको यूज करें एंड ब्लैक सॉल्ट का यूज करें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेडिकल पैरामीटर्स फ्रॉम योर साइड कि आपका शुगर लेवल अगर इसकी कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज मैंने बताया है, तो उसको भी आपको इसके साथ रेगुलेट करके देखना है। ये नहीं कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, बट हाँ ये मैं एक सब्स्टिट्यूट की बात कर रही हूँ। उसी तरह से एक आपके नॉर्मली हम लोग घर में यूज करते हैं गोंद कतीरा, ये बहुत ही हमारे स्टमक के लिए अच्छा होता है। इसका जो पोटेंसी होता है डेट इज गोल्ड, तो जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है डेट इज वेरी बेनिफिशियल। तो ये मैंने बताया कि ये सब कुछ चीजें हैं जो हमें समर्स में डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहिए। और ब्लैक सॉल्ट जरूर इस समय यूज करना चाहिए बिकॉज उसका भी हमारी बॉडी पे अच्छा डाइजेशन में इम्पैक्ट होता है। कुछ ड्रिंक के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि ड्रिंक जो है जनरली समर्स के सीजन में ड्रिंक की बहुत क्रंचेस हो जाती है एंड वी आर डेफिनेटली शिफ्टिंग टू द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो पैकेज इसमें आते हैं पैक्ड होते हैं। तो घर में कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे सत्तू ड्रिंक है, ये आपको चना का सत्तू भी आता है एंड देन बार्ले का भी आता है, सो यू कैन मिक्स टूगेदर या फिर अलग अलग भी, और ये स्वीट भी बन जाता है एंड सॉल्टी भी आप बना सकते हैं। रेसिपीज के लिए डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट हमारे साइट पे भी आप जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। आम बना है, बेल का जूस है जिसको आप फाइबर के साथ यूज कर सकते हैं, और डेफिनेटली जिनको भी मेडिकल पैरामीटर्स एंड कैप्सेट है तो आप इसमें शुगर ना यूज करें, वैसे ये बहुत स्वीट होता है। मिंट एंड लेमन का स्क्वैश हो सकता है, घर में आप बना सकते हैं। फ्रूट क्रशेस हो सकते हैं, जितने भी रोज है रोज का आप रोज पेटल्स उसको यूज कर सकते हैं एज अ ड्रिंक, रोज ड्रिंक जैसे मैंने भी आपको बताया। देन हिबिस्कस जो चाइना रोज है उसका भी ड्रिंक बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाता है। देन नॉर्मली जो हम लोग पान खाते हैं उसका भी गर्मी के दिन में बहुत अच्छा एक ठंडई या रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार होता है, सो दैट यू कैन यूटिलाइज एज अ ड्रिंक थ्रू आउट द डे। और छाछ, लस्सी, कोकोनट वाटर, ये सब चीजें तो आप सभी को पता ही है जिसको कि आपको और हमको इम्प्रूव करना चाहिए। कुछ स्वीट्स ऑप्शन है जैसे समर्स में क्या मीठा खाएं, तो अगर मैंगो की अगर आप कोई लॉन्ची वगैरह बना रहे हैं तो उसमें मैंने बताया कि आप मिश्री यूज कर सकते हैं, या मैंगो चिया की पुडिंग बन जाती है, मिल्क एंड बहुत सारे जितने भी सीड्स हैं जैसे कि इस मौसम में पॉपी सीड यूज करते हैं, पम्पकिन यूज करते हैं, इन सबको मिक्स करके यू कैन मेक अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। उसका आइसक्रीम भी बन जाता है बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड करके। वाटरमेलन का आप जेली बना सकते हैं, वर्मिसिली या राइस पुडिंग आप नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं। होममेड आप कुल्फी यूज कर सकते हैं या होममेड फालूदा वगैरह बना करके भी आप अपने हेल्दी ऑप्शन एज अ स्वीट जो टेस्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं। देन वेट को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर हम वेकेशन पे जा रहे हैं या हमारे यहाँ कोई आ रहे हैं या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया कि हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड बहुत लीजरली स्टेट में होता है, तो आप सोचते हैं कि अच्छा खा लेते हैं वेट बढ़ जाएगा तो भी क्या प्रॉब्लम है, बट आप साथ के साथ अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं जिसमें कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले तो अपना वेट डेली नहीं चेक करना है, आपको लगता है कि हमारे को वी आर गोइंग फॉर 15 डेज और वन वीक, तो आप पहले एक बार अपना वेट चेक करें और इन बिटवीन आप वीकली या 3-4 डेज में अपने वेट को मॉनिटर करें। मेजरमेंट्स आप 20-25 डेज में ही मेजर करें सो दैट एटलीस्ट यू कैन सी कि आपका मेजरमेंट्स में क्या चेंजेस आए हैं। अपना एक रूटीन, वेकेशन में अगर आप जा रहे हैं या घर पे ही कोई आपके आ रहे हैं तो अपना एक रूटीन जरूर सेट करें जिसमें आप एक्टिविटी के साथ साथ फूड को क्या मैनेज करना है, कब हमें अपना फूड वाइंड अप करना है, ये सब चीजें भी आप एक रूटीन में मैनेज करेंगे तो बेटर रहेगा। देन अगर आपका लंच कुछ हेवी ऑप्शंस आप ले रहे हैं लंच में, तो आपको डिनर अपना लाइट करना है। अगर आपका डिनर हेवी हो रहा है तो नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट आपको लाइट रखना है, और पूरे दिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, और क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है कि मींस व्हाटएवर यू आर ईटिंग उसको आपको क्वांटिटी में जरूर कम लेना है सो दैट यू कैन एंजॉय ऑल्सो और साथ के साथ आप उसको मैनेज भी कर सकते हो। और अगर आपका डिनर हैवी हो रहा है तो आपने ब्रेकफास्ट में जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स एज अ मील आपको ले लेना है, या फिर आपका लंच अगर हैवी होने वाला है तो अगेन फ्रूट्स आपने ब्रेकफास्ट में लिया तो डिनर भी आप कुछ लाइटर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट की एक वॉक, जैसे मैंने बताया आपको कि यू शुड नॉट यू डोंट हैव टू गो आउट, आप घर के अंदर ही 10 से 15 मिनट की एक वॉक कर ले, और खासकर जो हाउसवाइफ्स हैं या जो हमारी
घर के अंदर आप रह रहे हैं तो हम सोचते हैं कि घर में इतना हमारा काम हो जाता है कि वी डोंट हैव टाइम टू वॉक. तो जो हम नॉर्मली घर में वॉक करते हैं दैट इज नॉट गिविंग यू अ रिदमिक इफेक्ट. तो आपको 10 से 15 मिनट एक टाइमर घर में अपने मोबाइल में या घड़ी में लगा के आपको वो एक 10 से 15 मिनट की रेगुलर वॉक करनी है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है. एंड अगेन मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ टू कंसिडर योर वॉटर इनटेक, वो 10 से 12 ग्लास होना चाहिए आपका मिनिमम, और उतना ही आपके आपको एक मॉनिटर करना आपका यूरिनेशन भी प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आजकल पर्सिपिरेशन की प्रॉब्लम हमारे रहती है क्योंकि ऑल द टाइम वी आर इन टू एसी, तो हमें हमारा पर्सिपिरेशन नहीं होता है, तो डेफिनेटली हमारा जो आउटलेट है वो यूरिन के थ्रू ही हो सकता है. हमारे डाइट्स में, डेली के डाइट्स में आपको स्वीट के इंटेक को भी मॉनिटर करना. अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो आप छोटा कप यूज करें, खासकर आप वनीला वगैरह का आप फ्लेवर यूज कर सकते हैं, एंड उसको डे टाइम में मींस की इवनिंग तक आप उसको खा ले तो बेटर होगा रेदर देन लेट नाइट्स. एंड स्क्रीन टाइम मींस बहुत ज्यादा आप मोबाइल को ना यूज करें, बहुत ज्यादा सिटिंग, क्योंकि आप जब मोबाइल यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिटिंग टाइम इनहांस होता है, बढ़ता है. तो स्क्रीन टाइम को अगर आप लिमिट करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्क्रीन टाइम अपने आप ही कम होता चला जाएगा. और अपने वेट को अगेन मैं आपको एम्फसाइज कर रही हूँ कि अपने वेट को वीकली या 2 to 3 days में अपने आप को मॉनिटर करना है, नॉट डेली. और एक टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे यू हैव टू सी योर वेट, नॉट ऑल द टाइम, बिकॉज हम लंच के बाद, डिनर के बाद, हर समय अगर आप वेट चेक करते हैं तो अनोइंगली आपके माइंड पे एक स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस हार्मोन भी आपके बॉडी के वेट को चेंज करता है, मीन्स बढ़ा सकता है. देन इसके साथ साथ आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए. और अगर आपको लगता है कि 2-3 days या 1 week का आपने वेकेशन कर लिया तो उसके बाद क्लींस योर बॉडी, जैसे आप अपने बाकी चीजों को क्लींस कर रहे होते हैं तो यू हैव टू क्लींस योर बॉडी. और क्लींसिंग डजंट मीन कि आपको पूरा दिन फूड पे रहना है या बहुत फास्टिंग करनी. क्लींसिंग मीन यू हैव टू टेक लाइटर फूड एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट. तो अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली समर्स को भी इंजॉय कर सकेंगे और इसके जितने भी फ्रूट्स हैं उसको भी इंजॉय कर सकेंगे और साथ में अपने वेट को भी मैनेज कर पाएंगे और अपने मेडिकल कंडीशंस को भी अंडर कंट्रोल रख सकेंगे. सो डोंट वेट फॉर टुमारो, स्टार्ट टुडे ओनली. और जितने भी टिप्स हैं होप यू लाइक इट, और आप इसको नॉर्मल अपने रूटीन में जरूर इसको यूज करेंगे. बिकॉज हम बहुत बार सोचते हैं कि आज, अच्छा मैम आज हमारा एक डिस्कशन हुआ है सबके साथ तो विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू कैन ट्राई टू फॉलो दीज टिप्स और डेफिनेटली विल सी आफ्टर वेकेशन ऑल्सो, आफ्टर समर्स ऑल्सो यू विल मेंटेन योर वेट. एंड इसके लिए अगर आपको कुछ भी आपके कस्टमाइज डाइट्स के बारे में या कस्टमाइज रूटीन कैसा होना चाहिए इसके लिए अगर आप कंसल्ट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी. सो आप लोग में से कोई भी हमारे साथ अगर कुछ अपना फीडबैक शेयर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. हेलो मैम. हेलो शिखा, कैसे हैं आप? मैम बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? परफेक्टली ऑल राइट. सो आप कुछ अपना फीडबैक शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैंने यहाँ से काफी वेट लूज किया है अपना, क्या कहते हैं 4 kilo वेट मैंने लूज किया, और वेरी सपोर्टिंग टीम, आपकी टीम इतनी सपोर्टिव है, हम टाइमली हम लोगों को सब मैनेज करती रहती है, फीडबैक सब हम लोग लेते ही रहते हैं उनसे. कोई भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं तो मुझे हार्मोनिक प्रॉब्लम से वो भी मेरा डिसऑर्डर भी ठीक हो गया है, भी मेरा काफी लूज हुआ है मैम. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Shikha, for your feedback. Definitely, you are one of my good follower client, and you have attained the result. आपको weight loss भी मिला था, and आपके hormonal problems भी काफी better हुए थे. So thank you so much for joining us and for the feedback. Thank you so much, ma'am. Thank you. हेलो. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच. हाँ जी मैम, वेट गेन का मेरा प्रोसीजर चल रहा है.
बट अभी तक तो नहीं पहुंचा और बाकी तो टीम सपोर्टेड है, बहुत अच्छा वर्क है उनका. डेफिनेटली मैम, थोड़ा सा मैंने अभी आपको जैसे बताया कि प्रोसीजर में क्विक रिजल्ट्स नहीं बनते हैं मैम. यू विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड अकॉर्डिंगली हमें डाइट फॉलो करना है. सो डेफिनेटली इट विल गिव यू द रिजल्ट. मैम डाइट तो फॉलो करती हूँ बट कभी कभी कुछ ना कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो घूम फिर के फिर वापस वहीं आ जाता है वेट. एक्चुअली जितना भी लंबा हमारे पास समय रहा जिसमें कि आपकी ये प्रॉब्लम सही, तो डेफिनेटली उसको सॉर्ट आउट करने में इट विल टेक लिटिल टाइम बिकॉज बॉडी के सभी पैरामीटर्स को एक बैलेंसिंग स्टेज में लाना इज इम्पॉर्टेंट. जैसे भी आपने बताया कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, समटाइम एसिडिटी हो जाती है. वी आर ट्राइंग टू गिव यू द वेरी कस्टमाइज डाइट एज पर योर बॉडी, बट वही है कि उसकी बैलेंसिंग में समटाइम या फिर आपका कुछ भी चेंज हो जाता है रूटीन, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है. तो डेफिनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट मैम. थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. ओके, थैंक यू. हेलो मैम. हेलो. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. मेरा अभी 1 month के लिए ना ब्रेक हो जाएगा, मैं अभी घर जा रही हूँ. ओके ओके मैम. यस यस, आपका जो डाइट ग्रुप है ना, आप उसमें एक मैसेज डाल दीजिए मैम. सो आपके लिए भी एक रिकॉर्ड रहेगा और मैं अब आपको डाइट मैनेजिंग टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, सो दैट कि आप एटलीस्ट ड्यूरिंग द वेकेशन आल्सो आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं. अच्छा, थैंक यू मैम. आपके टीम तो बहुत सपोर्टिव है मैम, बहुत अच्छा है. बस मेरा रिजल्ट, हाँ जी, अभी तो 3 kilo वेट लॉस किया है. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली इन अ लॉन्ग रन यू विल हैव अ गुड गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ वेट, इंचेस, और पूरा लाइफस्टाइल आपका मॉडिफाई होगा. सो डेफिनेटली इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट इन लॉन्ग रन. थैंक यू सो मच मैम. हेलो मैम. हेलो गीतिका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम. यस, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा. लास्ट 6 months से मैं वेट लूज का डाइट ले रही हूँ वैसे. हाँ, तो एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा. 6 months में मैंने 15 kg लॉस किया है वेट. ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. सो आप डेफिनेटली और भी हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इस चीज से डेफिनेटली इंस्पायर होंगे और होप कि आपको प्रोसीजर भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ. बिल्कुल, मैं वर्किंग हूँ वैसे और डाइट बड़ी इजी है कि मैं बहुत इजीली उसे मैनेज कर पाती हूँ. ओके ओके, थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक ये सभी को जानना चाहिए कि सिंस शी इज वर्किंग बट स्टिल शी इज फॉलोइंग द डाइट, तो दैट मींस कि ये एक नॉर्मल रूटीन डाइट्स का एक पार्ट होगा. तो जो भी वर्किंग है या नहीं भी वर्किंग है, उनको लगता है कि डाइट करना एक बहुत मुश्किल काम है, तो एटलीस्ट दे कैन टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम गीतिका. सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर योर टाइम एंड होप यू विल यू ऑल हैव एंजॉयड द वर्कशॉप. एंड इसमें से जो भी टिप्स हमने आपके साथ शेयर किया है तो आप उसको यूज करेंगे और अपने आप हेल्थ को और अपने वेट को मेंटेन करेंगे. थैंक यू सो मच एवरी वन. Please don't forget to give your feedback. Thank you so much.